इसको लेकर को। तो क्या कोई तरीका है, बोनाफाइड तरीका है कुछ समझने का कि वास्तव में तरीका अवतार कौन है और कौन ऐसे ही मन से अपने को बोल रहे हैं? तो तरीका तो होना चाहिए। जो मतलब शास्त्र में जो भगवान ने बताया उस हिसाब से। वेरी गुड। तो अवतारों का वर्णन जो है वो शास्त्रों के अंतर्गत मिलता है कि कौन से अवतार आने वाले हैं, कौन से अवतार पहले आ गए हैं। जैसे 5,000 साल पहले शास्त्र को लिखित रूप दिया गया, उससे पहले शास्त्रों का ज्ञान था या नहीं था, मतलब लेकिन लिखित रूप में नहीं था, वर्बल था। क्यों वर्बल था? क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं थी, याद रखते थे कुछ। लिखना तो बहुत ही एक कंप्रोमाइज है, स्मरण शक्ति कम है से लिखना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो 5,000 साल पहले जब वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग आ रहा है, तब उन्होंने ये शास्त्रों के ज्ञान को लिखित रूप दिया भगवान के आदेश के अनुसार। तो उन्होंने 5,000 साल पहले जो शास्त्र लिखे उसमें अभी तक जो अवतार हुए थे, मुख्य मुख्य अवतार, उनका वर्णन किया। और आने वाले अभी समय में कौन कौन से अवतार होंगे कलयुग के अंत तक ना, उसका भी विवरण दिया। कलयुग का भी कितना समय हुआ है शुरू हुए, 5 साल, और टोटल आयु कितनी है कलयुग की? 4,32,000। 4,00,000 वर्ष। तो बहुत समय बाकी है अभी, तो उस में क्या होगा, अवतार कैसे कैसे कौन कौन से होंगे वो सबका वर्णन है। तो देखिए, चाणक्य, आप सुना है चाणक्य पंडित थे, तो वो चंद्रगुप्त, सॉरी उधर अशोक थे, और ये इन सब का जो, ये तो अभी रिसेंट हिस्ट्री में हुए हैं, तो इनका भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि किस प्रकार से नंदी राजा होंगे और उनको ये हटा करके इस प्रकार से मौर्य उनको चार राजा बनाएंगे और फिर अशोक आएंगे, ये सब का वर्णन भी है। अलेक्जेंडर का भी वर्णन है, अलेक्जेंडर ग्रीक, वहां से किस प्रकार से आएंगे। तो इस प्रकार शास्त्रों में जो है वो आगे की भविष्यवाणी बहुत सारी है। बुद्ध अवतार का वर्णन है, बुद्ध अवतार आएंगे, तो हम देखते हैं सब चीजें। तो उसी प्रकार से कलयुग में कौन किस रूप में भगवान आएंगे, ये भी वर्णन शास्त्र में। अभी चल रहा है कलयुग, भगवान गए उसके बाद से कलयुग शुरू हुआ, कृष्ण भगवान जब रहे तब से कलयुग शुरू हुआ। तो कलयुग के लिए भी शास्त्र वर्णन है, कैसे हम जानेंगे कि अवतार कब आएंगे, क्या करेंगे, कैसे वो दिखेंगे, ये सब वर्णन शास्त्र में होता है। तो शास्त्र वर्णन है कि अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग शरीर की कांति रखते हुए आते हैं। तो सतयुग जब होता है तो उसमें श्वेत वर्ण उनका होता है, शरीर की जो कांति होती है वो श्वेत वर्ण की होती है। जब त्रेता होता है तो उसमें रक्त वर्ण होता है, और द्वापर होता है तो उसमें कृष्ण वर्ण होता है, और कलयुग जो है उसमें पीत वर्ण होता है, पीला। तो ये होते हैं युग अवतार। अवतारों की बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारे अवतार हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी है। मुख्य कैटेगरी क्या क्या है? एक होते हैं युग अवतार, जो एक पर्टिकुलर युग के लिए युग का जो युग धर्म है उसको स्थापित करना, उनको युग अवतार बोलते हैं। फिर एक होते हैं गुणावतार, गुणावतार मतलब जो प्रकृति को जो चलाने वाले 3 गुण हैं, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, उसको जो कंट्रोल करने वाले कंट्रोल करते हैं उनको गुण अवतार, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जो हैं गुण अवतार। ब्रह्मा जी किसके कौन से गुण को कंट्रोल करते हैं? रजोगुण। तीन गुण कौन से होते हैं तो पता है? तो ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण को कंट्रोल, महेश शिव जी तमोगुण को कंट्रोल, और विष्णु सत्वगुण। ये गुण अवतार होते हैं। फिर उसके बाद मनवंतर अवतार भी होते हैं, अलग अलग मनु का जो जीवन आयु रहता है उसमें, एक एक जीवन आयु आयु में एक एक पर्सनैलिटी जो है उस पूरे काल, उस पूरे समय अधिष्ठाता होते हैं, वो मनवंतर अवतार कहते हैं।
इस तरह से बहुत सारे उदाहरण। तो ये जो कलयुग है इसके लिए भी एक युग के अवतार होने चाहिए। तो ये जब युग के अवतार होने का समय भी था, और साथ साथ में इस कलयुग में जो कलयुग के जीव हैं उन सबको वापिस अपने धाम भगवत धाम पहुंचाने का रास्ता प्रशस्त करना था, उस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित। जो अवतार होते हैं उनके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी इस तरह से भी होती है कि उनको जनरली स्वांश बोलते हैं। स्वांश यानी वो भगवान की एक लिमिटेड मात्रा में शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, संपूर्ण शक्ति कृष्ण की प्रदर्शित नहीं करते। कृष्ण जो है वो सभी अवतारों के स्रोत हैं, अवतार अल्टीमेट। तो जो इस भौतिक जगत में जब जिन रूप में भगवान अवतरित होते हैं तो अपनी पूरी शक्ति जो है भगवान 64 कलाओं से पूरी, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जो अलग अलग अवतार होते हैं वो उनकी सारी एनर्जी लेकर के नहीं आते हैं, कुछ पार्ट नहीं होते। लेकिन कभी कभी ब्रह्मा के एक दिन में एक बार कृष्ण पूरी अपनी शक्ति स्वयं लेकर के पूर्ण रूप से आते हैं। ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होता है। ये तो आपने शायद सुना होगा ब्रह्मा जी की एक दिन में गणना कैसे होती है, कितने कलयुग कितने सतयुग। अच्छा तो एक दिन में 12 घंटे में 1000 महायुग। महायुग मतलब जिसमें चारों के चारों युग की एक साइकिल होती है, उसको महायुग। कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग, ये चारों जो युग का एक साइकिल है उसको बोलते हैं महायुग। ऐसी 1000 साइकिल जिसमें हो वो ब्रह्मा का 12 घंटे। ऐसे ही ब्रह्मा की भी रात होती है इतनी लंबी। ये एक दिन हुआ, ऐसे 30 दिन मिला करके 1 महीना, 12 महीने मिला करके उनका 1 साल, और 100 साल उनकी आयु होगी ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा के हर दिन में जब रात होती है, तो जब ब्रह्मा की रात होती है तो आंशिक प्रलय होती है। क्या आप जो यहाँ ब्रह्मांड देख रहे हैं नीचे गोल, इसमें 14 स्टेप्स हैं, 14 उसमें डिविजन्स हैं। तो उसमें ऊपर के 3 को छोड़ करके बाकी सब नीचे के जो हैं, जब ब्रह्मा की रात होती है तो सब पानी के अंदर, ये जो नीचे समुद्र है ना गर्भोदर, ये सब समुद्र के अंदर चले जाते हैं प्रलय के समय। और फिर जब दोबारा से दिन होता है ब्रह्मा का, तब फिर दोबारा से वो सृजन करते हैं सबका दोबारा। तो इस तरह से ये ब्रह्मा के एक दिन होता है, और दिन में ब्रह्मा के एक दिन में बहुत सारे अवतार आते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन स्वयं कृष्ण एक बार स्वयं आते हैं ब्रह्मा के दिन में एक बार। तो अभी ये जो द्वापर गया इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे। एक दिन में तो बहुत सारे कलयुग होंगे ना, 1000 कलयुग होंगे, 1000 द्वापर होंगे, 1000 त्रेता होंगे, 1000 सतयुग होंगे। हर एक युग में कोई ना कोई रूप में भगवान अवतार आएंगे, लेकिन एक बार ब्रह्मा के एक दिन में एक बार स्वयं आएंगे। तो ये जो अभी द्वापर गया, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते स्वयं, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, 1000 द्वापर में एक बार ही कृष्ण स्वयं आते हैं। तो ये जो अभी द्वापर गया इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे, और उसके बाद जो कलयुग आता है उसमें भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी पूरी तरह से भगवान की संपूर्ण शक्ति लेकर के आते हैं। तो क्यों आते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण यहां से गए तो उन्होंने विचार किया कि अभी जिस हेतु के लिए मैं गया था, जीवों को सबको वापस बुलाने के लिए, लेकिन अभी कलयुग में कैसे जीवों का उद्धार होगा, ये चिंता भगवान करते हैं, विचार करते हैं। भगवान के आने का उद्देश्य है तो यदा यदा ही धर्म से प्राणी भवति भारत धान धर्म से प्राप्त सजाम, धर्म की स्थापना करते हैं। युगा अवतार जो आते हैं उस धर्म का स्थापना, भगवान के आने के बहुत सारे काम होते हैं। एक पंथ कई काज ऐसी कहावत है, ऐसे भगवान भी आते हैं तो उनके बहुत सारे काम होते हैं, कार्य होते हैं। कुछ
कुछ अंतरंग होते हैं, कुछ बहिरंग बही होते हैं, कुछ एक्सटर्नल रीजंस होते हैं, कुछ इंटरनल रीजंस। तो एक रीजन जिससे कि जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए, वो था इस कलयुग में जो सबको कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना है, भगवान के साथ संबंध सबका जोड़ना है, उसका जो प्रोसेस है संकीर्तन, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण। तो ये एक बात समझने की है कि इस युग का जो प्रोसेस है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का, वो है संकीर्तन। तृतीयत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञ मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तथा हरि कीर्तना। हर एक एज में लोगों को स्पिरिचुअली वापस उनको रिवाइव करने का एक यूनिक प्रोसेस होता है, क्योंकि हर एक एज में करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है, लोगों की आयु अलग अलग होती है, गुणों का प्रभाव अलग अलग होता है। सत्वगुण ज्यादा होता है सतयुग में, फिर धीरे धीरे कलयुग में ज्यादा प्रभाव किस गुण का होता है, तमोगुण का। इसलिए इस युग में क्या है, जो भी तमोगुण से चीजें जो चलती हैं, तमो और रजो से, विशेष रूप से तमो, वो बहुत जल्दी प्रसारित होती है, इजीली फ्लरिश होती है, क्योंकि ये जो एज है वो तमोगुण को सपोर्ट करने वाली समय है, तमोगुण का ही समय है। इसलिए जो भी एक्टिविटीज तमोगुण से चलती हैं वो चीजें बड़ी आसानी से फ्लरिश। इसलिए आप देखिए इस कलयुग में जो इलिसिट एक्टिविटीज है, शराब, व्यभिचार, ये सब चीजें बड़ी आसानी से ग्रो करते हैं, आप किसी भी आदमी को इनका इनकी जड़ लगा सकते। इसलिए आज इतनी सारी ये फैल गई है ना चीजें, ड्रग एडिक्शन, ये बड़ा आसान है, किसी को भी आप दे दो उसको अच्छा। हाँ, उसके अंदर उसको, और एक बार लत पड़ गई तो उससे निकलने की भी शक्ति नहीं, तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा आया था। तो ये जो समय, इसलिए इसलिए इसमें सारे उल्टे सीधे गलत गलत सिद्धांत प्रसारित बड़ी आसानी से होते हैं, लोगों को गलत चीज स्वीकार करना बड़ा आसान होता है इसलिए, ये कलयुग के प्रभाव की वजह से, तमोगुण के प्रभाव। तो इस प्रेजेंट एज में, तमोगुण की एज में लोगों को वापस उनकी आध्यात्मिक चेतना में लाने का जो प्रोसेस है वो है भगवान के नामों का कीर्तन। भगवान और भगवान के नाम अभिन्न, जो भगवान के प्रमुख नाम है, जो उनके लीलाओं के आधार पर भगवान के जो नाम है, वो भगवान की समस्त शक्ति उन नामों में होती है, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे होते हैं। एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म होता है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में व्यक्ति और उनसे संबंधित कोई भी चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। भौतिक जगत में अंतर होता है, पानी पानी पानी, ये शब्द ध्वनि के द्वारा आप जो सब्सटेंस पानी है उसके संपर्क में नहीं आ सकते, पानी बोलने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, हमको पानी सब्सटेंस पीना होगा तब जाके प्यास बुझ। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये स्पिरिचुअल नेचर है कि वहां पर हर चीज स्पिरिचुअल है, नाम भी स्पिरिचुअल है, वो व्यक्ति भी स्पिरिचुअल, हर चीज स्पिरिचुअल, इसलिए वो सब समान स्तर पर होती है। तो इसलिए ये जो भगवान का जो स्पिरिचुअल, अगर उसकी पूरी स्पिरिचुअल पोटेंसी से हम भगवान का नाम ले सकें शुद्ध रूप में, पूरी स्पिरिचुअल पोटेंसी से हम भगवान का नाम ले सकें, तो प्रैक्टिकली इट विल बी नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, वो कृष्ण ही होंगे, कृष्ण और उनके नाम में इस प्रकार से कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार से कलयुग के जीवों को भगवान अपना अपना एसोसिएशन देते हैं अपने नाम के रूप में। तो कलयुग के जीवों के लिए बहुत इजी प्रोसेस चाहिए, पर नाम के रूप में भगवान यहाँ उपस्थित रहते हैं, और ये नाम, भगवान का नाम कभी भी हम ले सकते हैं, किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, तुरंत हम भगवान के संपर्क में आ सकते हैं, और तुरंत ये जो तमोगुण का जो प्रभाव है उसको हटा सकते। तो ये भगवान ने बहुत ही सिंपल इजी प्रोसेस दिया, कि कलयुग के जीवों के लिए डिफिकल्ट प्रोसेस काम नहीं करेगा, क्योंकि तो उनकी एज बहुत कम है, उनकी स्मरण शक्ति बहुत कम है, और तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इसीलिए भगवान जो है ये प्रोसेस इस्टेब्लिश करने आते हैं कि जो भी जीव इस जगत में, इस कलयुग में है, उनका जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो सबसे इजिएस्ट प्रोसेस जो इस कलयुग के अंदर है वो है भगवान के नामों का श्रवण और कीर्तन करना। उससे मोस्ट इफेक्टिवली हम भगवान के संपर्क में आते हैं और हमारी शुद्धि होती है। जैसे हम भगवान के संपर्क में आते हैं हमारी शुद्धि होती है, जैसे हम सूर्य के संपर्क में आएंगे
बाहर दिख रही है, सूरज निकला हुआ है, तो हमें वार्मथ अनुभव होगी, राइट, हमें प्रकाश अनुभव होगा, करेक्ट। तो उसी प्रकार से भगवान जो है वो परम शुद्ध है, इसीलिए जैसे ही कोई जीव किसी भी प्रकार से उनके संपर्क में आता है वो शुद्ध होता है। इवन ऐसा भी शास्त्र में बताया गया, उदाहरण है इतिहास में, कि अगर भगवान की सेवा न करके भगवान से ईर्ष्या करके, द्वेष करके, काम वासना से प्रेरित होकर के भी यदि कोई भगवान के संपर्क में आता है तो वो भी शुद्ध जाता है। कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तद अघम हित्वा भावस्तद गतिं गता। तो ये शास्त्र में श्लोक बताया है कि बहुत से लोग जो है पहले द्वेष के कारण भगवान के संपर्क में आए, उनसे आकर्षित हुए, जैसे शिशुपाल था, यानी मुझे आपने महाभारत में नाम सुना है, तो वो एक भगवान का एक एक रिलेटिव था, लेकिन भगवान से हमेशा उसको बहुत द्वेष रहता, ईर्ष्या करता, तो वो ईर्ष्यावश भगवान के हमेशा भगवान के बारे में सोचता। इसी प्रकार से कंस डर से भगवान के बारे में सोचता, क्योंकि उसको भविष्यवाणी हुई थी कि कृष्ण तुमको मारेंगे, तो इसलिए उसको हमेशा भय रहता था कि कभी कृष्ण मुझे मार तो नहीं देंगे, कब कहाँ से आएंगे वो, तो हमेशा भय रहता था, भय में हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में सोचते रहते। तो ऐसे गोपी गोपी जो है वो भगवान से काम वासना में आकर्षित, यद्यपि वो काम वासना जो है वो भौतिक नहीं थी, बाह्य से ऐसे था। तो एनीवे इस तरह से कोई भी भगवान के संपर्क में आता है, भगवान से आकर्षित होता है, तो शुद्ध जाता है। तो जो भक्ति भाव से भगवान के संपर्क में आता है, सेवा करने के उद्देश्य से भगवान के संपर्क में आता है, तो उसके बारे में तो क्या कहा, वो बहुत आसानी से शुद्ध जाता है। तो ये संकीर्तन यानी बहुत से लोग मिलकर के भगवान के नाम का गुणगान करें, ये प्रोसेस को स्टैब्लिश करने भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के लिए है। तो ये जो हमारी संस्था है इस्कॉन, ये उसी परंपरा में, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ही आ रही है, उन्हीं की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा में ये चल रही है। तो इसलिए जो इस्कॉन संस्था है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज के समय में किसी व्यक्ति ने अपने आप एक आइडिया निकाल दिया, आइडिया से अपना एक नया बना दिया, ऐसा नहीं है। ये जो प्रोसेस है, ये एक शास्त्र के द्वारा दिया गया प्रोसेस है, जो परंपरा से चला आ रहा है, बहुत एज ओल्ड परंपरा है, जब से भगवान श्री कृष्ण है तभी से ये परंपरा चली आ रही है, और उसमें विशेष रूप से कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु से ये फिर परंपरा आगे आई आई, इसलिए इसको गौड़ीय परंपरा भी कहते हैं, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय मतलब बंगाल, गौड़ देश, तो चैतन्य महाप्रभु वहां अवतरित हुए थे, इसलिए इस परंपरा को ये भी कहते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं हमेशा हमारे सेंटर पॉइंट है चैंटिंग हरे, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया प्रोसेस, सबसे इफेक्टिव प्रोसेस, और प्रैक्टिकली हम सबको अपने अपने लाइफ में ये इसकी इफेक्टिवनेस को एक्सपीरियंस करना होगा, हरे कृष्ण मंत्र की इफेक्टिवनेस को एक्सपीरियंस करना। तो मैं अपने व्यक्ति के उदाहरण से अगर बताऊं, तो मैं जब पढ़ाई करता था कॉलेज में, तब अचानक एक मुझे भक्त मिले और उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया। उन्होंने बोला वो इसरो में साइंटिस्ट थे पहले, फिर वहां से वो सब छोड़ के और बोले मैं अभी जो है हम यहाँ पर कुछ भजन कर रहे हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक इसरो को, इसरो की पोस्ट में साइंटिस्ट पोस्ट छोड़ करके कोई व्यक्ति क्यों भजन करेगा, क्या चक्कर है, क्या इनको ऐसा ऐसा हुआ कि इन्होंने ऐसा छोड़ करके ये किया। लेकिन उससे पहले मुझे जिज्ञासा तो मेरे मन में उत्पन्न हो गई थी कि मुझे जानना है कि आखिर ये संसार क्यों है, क्या है, जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा, क्या होगा इसका, क्यों इंसान, ये मेरे मन में बहुत समय से प्रश्न चल रहे थे, मैं इसके प्रयास कर रहा था ढूंढने का, कहीं कहीं उत्तर कुछ मिल ही गया था। मैं अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक तथाकथित आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ रहा था, लेकिन कहीं पर भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, गोल 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 वेगनेस थी सब जगह। ऐसे करते करते ये अचानक मेरा संपर्क ये भक्त से हुआ और इन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया कि आप यहाँ, ये मेरा एड्रेस है, हम यहाँ पर कुछ भजन करते हैं, आप भी एक दिन आइए। तो विजिटिंग कार्ड के पीछे लिखा हुआ था चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एंड बी हरे। ये चीज मुझे बड़ी स्ट्राइक की, मैंने कि ये क्या मतलब है, कोई बोलने से सुख का क्या संबंध हो सकता है, कुछ शब्द बोलने से हमें सुख कैसे मिल सकता है,
सुख मिलेगा, पैसा लेंगे, कुछ चीज खरीदेंगे, कुछ एंजॉय करेंगे तो सुख मिलेगा ना। ये बोलने से क्या सुख मिल सकता है? तो मुझे समझ में नहीं आया, इससे क्या मतलब है? चाहे हरे कृष्ण। ठीक है, फिल्म में वहां गया, फिल्म में उत्सुकता थी, मुझे जानना था कि आगे क्या है, उसको ऐसा क्या मिला कि वो इसको अगर जॉब छोड़ करके यहाँ पर आ गया। फिर मैं वहां गया, वहां पर चल रहा था कीर्तन, चल रहा था ये हरे कृष्ण कीर्तन चल रहा था, तो मुझे तो उसमें कोई श्रद्धा नहीं थी, तो मैं तो ऐसे ही बैठा रहा हूँ, अरे क्या बोल रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर उसके बाद कुछ लेक्चर हुआ भगवत गीता, और वो सब तमिल में था, मैं वहां भी पढ़ता तो वहां पर सब तमिल में था, मुझे उस समय तक तमिल नहीं आती, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया लेक्चर। फिर उसके बाद में मैंने वहां पर एक पोस्टर देखा, एक पोस्टर, उसमें ये बुक्स, ऐसा पोस्टर था, वो सारी बुक्स भगवदगीता भागवतम एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया, वो मुझे बहुत आकर्षित कि इन लोगों के पीछे ये जो भी कर रहे हैं इसके पीछे फिलॉसफी है, कुछ नॉलेज है, ऐसे मनगढ़ंत नहीं है, बस इमोशनल सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म नहीं है, दे हैव सो मेनी बुक्स टू डिस्क्राइब व्हाट दे आर डूइंग। तो फिर मैंने वहां से कुछ बुक्स ले ली और ये भगवदगीता ले ली और फिर पढ़ना शुरू किया भगवदगीता। जब भगवदगीता पढ़ना शुरू किया तो मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे वहां बड़े सेंसिबल तरीके से, बड़े लॉजिकल तरीके से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे यार चीजों का बड़ा अच्छे से आंसर दिया है, लुक्स वेरी सेंसिबल जो भी दिया है। वो मुझे सबसे पहला आकर्षण था मेरा कि आई स्टार्टेड गेटिंग आंसर्स टू माय क्वेश्चंस। ठीक है, धीरे धीरे मैंने फिर जाके प्रश्न पूछने शुरू किए, पढ़ा समझा, तो फिलोसफी तो एक मेड सेंस कि हम क्यों आए हैं, क्या है सब चक्कर, फिलोसफी सही है, लेकिन अभी प्रश्न ये था कि ये है सही कि नहीं है। थ्योरी तो है, मेक सेंस, बट इज इट रियली ट्रू, वो भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो मैंने तब तक मेरे को कोई कृष्ण में कोई विश्वास नहीं था, मैं कोई बचपन से मेरा बस ये था कि कोई भगवान तो कोई होना चाहिए, इतना विश्वास मेरे को था तो, कि अपने आप से तो नहीं आ सकता ये, देयर शुड बी सम पर्सन बिहाइंड ऑल दिस, लेकिन वो कौन है क्या है कुछ नहीं पता। तो अभी यहाँ लिखा था भाई कृष्ण है भगवान, भगवत गीता में तो ये बताया गया, ओके थ्योरी कृष्ण है, लेकिन क्या रियली ये ट्रू है कि नहीं है ये अभी भी बात। तो मैंने मन में ऐसे ही प्रार्थना की कि भगवान जो भी आप हो, कोई ना कोई तो हो तो भी होता है। तो अभी ये जो मेरा जो मुझे मिला है, ये भगवदगीता मिली है, ये जो नॉलेज मिली है, ये रियली ट्रू है, इसके लिए आप मुझे कुछ मेरी सहायता कीजिए, मेरा इसमें कुछ अनुभव हो पाए, एक्सपीरियंस कर सकूँ मैं कुछ इसकी ट्रूथनेस को, जिससे कि मैं इस पर विश्वास कर सकूँ, इसको फॉलो कर सकूँ। उसके लिए मुझे कुछ चाहिए होगा ना, कुछ प्रमाण चाहिए होगा ना, कुछ एक लेवल का प्रमाण तो मिला कि इट मेक सेंस, इट्स भगवद गीता एज ओल्ड नॉलेज, तो इट्स वर्थ कंसिडरिंग, बट स्टिल आई नीड सम यू नो मोर सॉलिड एक्सपीरियंस टू फॉलो इट थ्रू आउट माई लाइफ। तो ऐसा मैंने प्रार्थना की और मैंने हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू किया, एक एक राउंड करना शुरू किया। सो व्हाट आई फाउंड दैट चैंटिंग करने से जो सेंस कंट्रोल है वो अनायास मुझे प्राप्त हो गया, जो सेंस कंट्रोल प्रयास करने से भी पहले कभी नहीं मिला था, दैट सेंस कंट्रोल आई कुड जस्ट गेट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा इन फ्यू वीक्स। सो दैट वाज सरप्राइजिंग टू मी कि मैं इतना प्रयास कर रहा था, कई कई साल से प्रयास कर रहा था, लेकिन आई वाज नॉट एबल टू डू इट, एंड बाय चैंटिंग इट वाज पॉसिबल। और फिर मैंने और भी मेरे कुछ कॉलेज के सीनियर्स थे, वो लोग भी कुछ प्रैक्टिस करते थे, सबका ये एक्सपीरियंस। एक व्यक्ति तो सीनियर था, ही वाज मॉरिशस के थे वो, तो ड्रिंकिंग एंड नॉन वेज वाज लाइक एवरी डे रेगुलर, तो वो चैंटिंग करने के बाद में वन डे ही केम टू, उसने बोला कि मतलब उसने चैंटिंग रोक दिया। तो मैंने उनसे पूछा क्यों आपने चैंटिंग रोक दिया, बोले पता नहीं क्या हो गया, मैं अभी आई एम नॉट एबल टू ईट, आई एम नॉट एबल टू ड्रिंक, मैं डर गया, मुझे क्या हो गया। सो इसकी प्यूरिफाइंग नेचर है, तो इसलिए ये इसके सबके प्रमाण है। सो पॉइंट इज कि इट इज द वे हाउ वी कॉन्टेक्ट कृष्णा एंड इट इज वेरी प्यूरिफाइंग। तो ये प्रोसेस को स्टेब्लिश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, जिससे धीरे धीरे हम कृष्ण को समझ पाते हैं, कृष्ण को रियलाइज कर पाते हैं, अपना संबंध उनसे समझ पाते हैं, और धीरे धीरे इस प्रकार से स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करते हैं। यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। एनी डाउट?
एनी क्वेश्चन? वो केना, जैसे भगवान है ना, ऐसे केला? नहीं भगवान केना, 1000 मतलब जो 1000 महायु होते हैं उसमें एक बार आते हैं। यस, कृष्ण स्वयं आते हैं, हाँ कृष्ण, बाकी टाइम में उनके अलग अलग अवतारों के रूप में आते जैसे अपने तो द्वापर युग में आए थे कृष्ण भगवान, तो अगर जैसे आप अगला महायुग आएगा ऐसे आते जाएंगे, उनमें तो किसी को पता ही नहीं होगा कि ना कि जो सुप्रीम गॉड है वो कृष्ण है। हाँ हैं। नहीं, शास्त्र तो हमेशा से है, ठीक है? तो भगवान कृष्ण के आने से पहले भी कृष्ण है वो तो पता था, शास्त्रों के माध्यम से नॉलेज, शास्त्रों की नॉलेज तो हमेशा से। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वो तो सतयुग में बहुत पहले थे, देवर ऑल्सो, लेकिन ये जो व्यक्ति उस समय आए, ये कृष्ण है। तो कृष्ण उस रूप में आए हैं, इवन इट वॉज नॉट इजी, मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट इट, दुर्योधन डिड नॉट एक्सेप्ट कि ये भगवान है। तो लेकिन ये नॉलेज तो हमेशा से संसार में रहती है कि भगवान राम कृष्ण ये भगवान है, विष्णु भगवान है, शास्त्रों के द्वारा। नहीं, कौन तो अपन को मालूम ही नहीं पता चलेगा, मतलब जैसे शास्त्र में कला, कौन, जैसे इतनी जो कला के भगवान है। शास्त्र में वो सब वर्णन है, भगवान का रूप कैसा होता है, भगवान त्रिवंगी होते हैं, ये सब वर्णन है। लेकिन उसको एसर्टेन करने के लिए आचार्य चाहिए होते हैं जो स्थापित करते हैं ये भगवान, और फिर उनके कार्यकलापों से धीरे धीरे ये स्थापित होता है। तो बेसिकली शास्त्रों में प्रमाण दिए होते हैं, उसके आधार पर वो सुनिश्चित करना पड़ता है कि दिस इज दैट पर्सन जो यहाँ पर बताए गए। मतलब शास्त्रों में पहले से ऐसे कि कृष्णा सुप्रीम है, तो यस यस, भगवत गीता हमेशा फिर से है, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन क्यों है ऐसे दुनिया में कि हिंदू क्योंकि यही रिलीजियस यही का। वो कृष्ण है क्या, यही इसी के बारे में बात हो रही है क्या, ये चीज कंफ्यूजन है ना। और बहुत से लोग को शास्त्र में विश्वास भी नहीं है, या बहुत से लोग शास्त्र में विश्वास रखते हैं केवल ऊपर ऊपर से, बाद में उनको मेनली अपने पर विश्वास होता है, तो शास्त्र को भी वो अपने तरीके से ही पढ़ते हैं, अपनी तर्क बुद्धि से ही पढ़ते हैं, उसमें छाटते हैं जो अपने को तर्क के अंदर अच्छा लगता है वो छाट बोल देते हैं, और जो अच्छा लगता है उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज होती है, क्योंकि तो हम लोग जो है ना आसानी से भगवान को सरेंडर नहीं होना चाहते, इसलिए कृष्ण अभी जाए तो भी ऐसे हिरण्यकशिपु था, भगवान सामने भी उपस्थित कर भी स्वीकार नहीं किया, अरे कौन भगवान, मैं ऐसा अपने आप कर सकता, भगवान की जरूरत क्या। तो ऐसे भी लोग रहते हैं, और बहुत से लोग जो धार्मिक है जो शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि भगवान कृष्ण है आएंगे, तो वो इंतजार करते हैं कृष्ण कब आएंगे, ठीक है? तो फिर जब भगवान आते हैं तो फिर आचार्य और वो सब और भगवान अपनी क्रियाओं के द्वारा वहां पर स्थापित करते हैं कि यस आई एम दैट कृष्ण, और फिर लोगों की। राम भगवान भी ऐसे 1000 महायुग में एक बार आते हैं वो। नहीं, भगवान राम के रूप में भगवान कई बार आते हैं, कृष्ण स्वयं एक ही बार। चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण का अवतार है कलियुग, कलियुग क्या चैतन्य महाप्रभु भी कली है? नहीं, कली मतलब जो इस कलयुग का कंट्रोलर है वो कली कहलाता है, कली पुरुष। तो उसका काम तो है कली को बढ़ावा देना। तो परीक्षित महाराज जब राजा बने, पौत्र थे पांडव, कली उस समय प्रवेश किया था तभी के तभी, तो उन्होंने इस कली को दंड दिया था। कली अवतार में चैतन्य महाप्रभु कली अवतार है, कलयुग के कलयुग क्या क्या होता है? अवतार है, कली नहीं है, कलयुग के अवतार है, ठीक? कल की अवतार कलयुग नहीं है, कल की अवतार अलग है, कल की अवतार आएंगे कलयुग के अंत में, उनका कार्य होगा उस समय सारा अधर्म ही अधर्म होगा, कलयुग का लास्ट, सब लोगों को खत्म करके दोबारा से नेक्स्ट सतयुग आरंभ होगा। तो संध्या में आएंगे, मिडल में, एंड में, कलयुग और अगला युग के बीच में एंड पॉइंट पे आएंगे कलयुग, वो भी बाकी है, 4,27,000 साल बाकी है अभी। हाँ, एक ढोंगी कलकी है, वे LIC में काम करते थे, अचानक उनको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मैं कलकी होता हूँ। ऐसे ऐसे है, लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं, ठीक है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।